सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आप लोग बहुत जो छात्राएं हैं अभी तक डीएमएलटी बीएमएलटी बीएससीएमएलटी सारे कोर्स में बहुत सारे आप लोग ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं और कुछ छात्र हैं जो कि अभी एडमिशन लेने जा रहे हैं। सबके लिए मेरा शुभकामनाएं। तो दोस्तों इसका आगे वीडियो में हम लोग समझ रहे थे कि टेस्ट का जो जो वैल्यू आती है उसका मैग्नीट्यूड यानी वो उससे हमको क्या समझ आती है, किस किस तरह से वैल्यू आती है। तो दोस्तों आप लोग कृपया नीचे आप लोग कमेंट में लिखिए कि आपको साथ हमको मतलब मेरा वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा, तो काइंडली आप लोग मेरा संपर्क में रहिए ताकि आगे वीडियो बनाने में मुझे सुविधा होगी। और इसका साथ ही आप लोग ख्याल रखिएगा कि हर एक चीज हम कोशिश करते हैं कि टेबल फॉर्म में दिखाने के लिए, इसलिए कि आदमी का जो याददाश्त होती है वो कुछ तरह के होते हैं। उसमें एक होता है फोटो याददाश्त, कुछ सुन के, जैसे वेद वेद का समय होता था आदमी सुन के याद रखते थे। अब कुछ होती है फोटो, देखिएगा आपको बहुत सारे फोटो जो बचपन में देखे अभी तक याद है। तो उसी तरह ये बोर्ड का फोटो आप लोग याद करने का कोशिश कीजिए, इसको बाकायदा एक कॉपी में उतार लीजिए और इस लेक्चर को सुनने के बाद फिर अपने से उसको समझने का कोशिश कीजिए कि कहाँ आपको छूट रहा है, क्या आपको नहीं समझ में आया। कमेंट से मेरा साथ संपर्क कीजिए। मैं हूँ आपका संदीप सर, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल एमएलटी ट्यूटोरियल बाय संदीप सर। सो अगर आप लोग नए हैं तो यूट्यूब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में साझा कीजिएगा। बहुत सारे मेरे ऐसे दर्शक हैं जो कि मतलब मेडिकल लैब से उनका कोई संबंध नहीं है, वो पढ़ते नहीं है, लेकिन वो लोग ज्यादा इसमें दिलचस्पी रखते हैं। तो सबको इसमें इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग जानना चाह रहे हैं कि टाइप्स ऑफ टेस्ट यानी किस कितने तरह का टेस्ट होता है। अब कितने तरह का टेस्ट, यहाँ हम टेस्ट का नाम नहीं बताने जा रहे, यानी टेस्ट जो कितने तरह का टेस्ट होता है उसको हम लोग किस किस आधार पर देखते हैं। आधार पर एक हुआ मेथोडोलॉजी यानी वो किस प्रिंसिपल पर आधारित है। इसके बाद देखते हैं टेंजिबिलिटी यानी और नहीं तो प्रॉक्सिमिटी यानी उसमें वास्तवता कितना है, यानी उसमें लगाव कितना है, उससे हमको कहाँ का कहाँ तक पहुंच पा रहे। तीसरा नंबर है मैग्नीट्यूड यानी उस रिजल्ट टेस्ट के जरिए मेरा रिजल्ट किस तरह का आ सकते हैं। और चौथा है एप्लीकेशन यानी यूटिलाइजेशन यानी उसका प्रयोग कहां पर है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मेथोडोलॉजी, जो मेथड हम लोग अपनाते हैं। तो पहला जो लेबोरेटरी का टेस्ट शुरू हुई थी वो एक सिंपल लेंस से शुरू हुई थी। आदमी ने ब्लड सेल को पहचानना शुरू किया, फिर बैक्टीरिया खोजने लगे, धीरे धीरे माइक्रोस्कोप। तो पहला टेस्ट यानी माइक्रोस्कोप से शुरू होती है मेडिकल लैब का इतिहास में। तो इसीलिए जो माइक्रोस्कोप से देख के जो हम लोग टेस्ट करते हैं उसको सिंपल बोलते हैं माइक्रोस्कोपी। तो एक नंबर माइक्रोस्कोपी है, दो नंबर है फोटोमेट्री। फोटोमेट्री यानी लाइट, फोटो मतलब लाइट, लाइट द्वारा कोई चीज को हम नापते हैं। तो उसको जो नापते हैं इसी में मोस्ट ऑफ द टेस्ट मतलब करीब 70-80% लैब टेस्ट इसी पर आधारित है। ये फोटोमेट्री में क्या है, कुछ और ब्लू इंक से हम लिखे हैं। जैसे फोटोमेट्री के अंदर आती है कोलोरीमेट्री। कोलोर शब्द, ये कोलोर का मतलब है कलर, यू हटा दिया गया है अमेरिकन इंग्लिश में। तो कोलोरीमेट्री यानी एक कलर सॉल्यूशन को हम लाइट द्वारा मेजर करते हैं। उसमें फिर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, फिर उसमें रिफ्लेक्टेंस फोटोमेट्री है, फिर बी है टर्बिडिमेट्री यानी हेजीनेस। कोई चीज को, कोई रिएक्शन जिसमें हेजीनेस पैदा होती है उस हेजीनेस को नापते हैं। कोआगुलामेट्री में क्या है कि ब्लड या सीरम को कोआगुलेशन किस समय पर कैसे हो रहा है, इस कोआगुलेशन को लाइट द्वारा मेजर करते हैं। फिर है फ्लेम फोटोमेट्री यानी एक फ्लेम, फ्लेम मतलब जो आगे का जो फ्लेम होती है वो आगे का फ्लेम को फिर हम उसका लाइट से मेजर करते हैं। डेंसिटोमेट्री यानी कोई चीज का हम डेंसिटी मेजर करते हैं। फिर फ्लूरोमेट्री जो है फ्लोरेसेंट, ये फ्लोरेसेंट सबसे आया। फ्लोरेसेंट जैसे आप कोई हाईवे में चलते हो लाइट जब पड़ वहां जो साइन बोर्ड जितने रहते हैं तो लाइट पड़ने पर वो चमकता है, जैसे लगता है कि कोई लाइट से ही लिखी है। तो इसको बोलते हैं फ्लोरेसेंट। तो
तो ये फ्लोरेसेंट मटेरियल को हम लोग यूज करते हैं किस तरह का, एक तो है लुमिनोमेट्री है और एक केमी इल्यूमिनेशंस है। केमी इल्यूमिनेशंस ये सब मशीन जो आती है ये सब पूरा ऑटोमेटेड मशीन है, इसमें खास करके टेक्नीशियन टेक्नोलॉजिस्ट इन लोगों को ज्यादा कुछ करने का नहीं रहता है। तो लेकिन इसको तो बारे में जानने होगा हम लोगों को। फिर है नेफेलोमेट्री। नेफेलोमेट्री में क्या है, यहाँ पर लाइट जाके डिफ्लेक्ट हो जा रहा, हट जा रहा है, घसीट जा रहा है। तो वो नेफेलोमेट्री का कंसेप्शन काम में लगा के नेफेलोमेट्री टेस्ट करते हैं। इसमें फिर एक हिस्सा है जिसको बोलते हैं इम्यूनो नेफेलोमेट्री। अब है एजीएबी कॉम्प्लेक्स। एजीएबी, एजी का मतलब है एंटीजन, एबी का मतलब एंटीबॉडी। तो एजीएबी कॉम्प्लेक्स का बहुत सारे रिएक्शन होती है। एक नंबर है एग्लूटिनेशन रिएक्शन, यानी जिसमें छेना जैसा फट जाता है। फिर है न्यूट्रलाइजेशन, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। तीसरा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी प्रेसिपिटेट जो होती है प्रेसिपिटेट हो जाता है। और है फ्लोकुलेशन रिएक्शन। फिर है बी नंबर में है इम्यूनो टारबिडीमेट्री। ये टारबिडीमेट्री है, ये यहाँ पर भी है इम्यूनो टारबिडीमेट्री है। फिर है इम्यूनो नेफेलोमेट्री है। फिर है जेल प्रेसिपिटेशन। अब जेल प्रेसिपिटेशन जो है इसमें कई सारे मेथड्स है, जिसमें रेडियल इम्यून डिफ्यूजन टेक्निक है, डबल इम्यून डिफ्यूजन टेक्निक है और इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक भी है। ये सब हम टेक्निक के बारे में बता रहे कि ये कौन कौन चीज पर ये सब। अब टेस्ट के बारे में तो बाद में एक एक करके बताएंगे। फिर है लेबल्ड एंटीजन एंटीबॉडी। लेबल्ड मतलब या तो एंटीजन या तो एंटीबॉडी पर हम लेबलिंग कर दिए, जैसे लेबल कर देते हैं ना, ये खराब लड़का है ये अच्छा लड़का है, इसी तरह का लेबलिंग कर देते हैं। तो लेबलिंग का मतलब क्या है, यहाँ हम जैसे पहले एलाइजा है, एलाइजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसिड। यहाँ पर हम एंटीजन या एंटीबॉडी का साथ एक एंजाइम को सटा देते हैं। फिर है रिया, यानी रेडियो इम्यून एसिड। यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम एंटीजन या एंटीबॉडी में सटा देते हैं। फिर है मिया, माइक्रो पार्टिकल, माइक्रो पार्टिकल का साथ सटा देते हैं। फिर है एफ पी आई एफ, इसमें है क्या, फ्लोरेसेंट पोलराइजेशन इम्यून एसिड। फिर है रिया, ये देखिए यहाँ आई है यहाँ ई है। इस रिया का मतलब है रेडियो एक्टिव एनर्जी एनर्वेशन। फिर है कॉम्पिटिटिव प्रोटीन बाइंडिंग मेथड्स, ये कॉम्पिटिशन इसका आधारित में बहुत सारे मेडिसिन भी है। फिर देखिए ब्लॉट टेक्निक। ब्लॉट टेक्निक में ई डब्ल्यू एन एस, यानी चार तरह का, ई मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो आप लोग सुने होंगे कि वेस्टर्न ब्लॉट से एचआईवी का कंफर्मेटरी टेस्ट होती है। फिर है क्रोमाटोग्राफी। क्रोम शब्द का मतलब है रंग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है रिजल्ट। तो इसमें देखिए एडजॉर्प्शन है, यहाँ डी है बी नहीं है। बी एब्जॉर्प्शन मतलब है कोई चीज को चूस लेना, और एडजॉर्प्शन मतलब है कोई चीज को सटा देना। फिर है पार्टीशन क्रोमाटोग्राफी। फिर है आयन एक्सचेंज क्रोमाटोग्राफी। फिर जेल फिल्ट्रेशन है। अब जेल फिल्ट्रेशन में भी कई तरह का मोड्स होती है। पेपर जेल फिल्ट्रेशन है, टीएलसी है थिन लिक्विड क्रोमाटोग्राफी, कलम क्रोमाटोग्राफी, गैस क्रोमाटोग्राफी, उसी तरह है गैस लिक्विड क्रोमाटोग्राफी, और है एचपीएलसी यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमाटोग्राफी। इसके बाद है डीएनए प्रोब टेस्ट। डीएनए प्रोब टेस्ट में पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब आरटीपीसीआर आप लोग सुन सुन के आप लोग अभी थक गए होंगे कोरोना के चलते। आरटीपीसीआर मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फिर है नेट टेक्नोलॉजी, इसका द्वारा भी कहीं कहीं कोरोना का टेस्ट हो रहा है। नेट मतलब है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। इसके बाद है पोटेंशियोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री में है क्या, पीएच देखने के लिए पीएच मीटर, आयन एक्सचेंज इलेक्ट्रोड्स, यानी मेरा हम लोगों को जो सीरम होती है, ब्लड होती है, इस ब्लड में कुछ एलिमेंट है जो कि इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक फॉर्म में नहीं होती है, वो आयन फॉर्म में रहते हैं। तो उस आयन के लिए ये होता है आयन एक्सचेंज इलेक्ट्रोड्स के द्वारा उस आयन का हम मेजरमेंट करते हैं। फिर है गैस इलेक्ट्रोड्स, यानी जिसमें हम जो खून का जो सारे गैस है, कितना ऑक्सीजन है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कितना नाइट्रोजन, ये सब का मेजर करते हैं। ये सब बहुत खास कुछ नहीं है, ये सब सब ऑटोमेटिक मशीन है
इसमें आपको बहुत दिमाग लड़ाने का दरकार नहीं पड़ेगा। फिर 10 नंबर है ऑस्मोमेट्री, यानी ऑस्मोसिस से रिलेटेड है ऑस्मोमेट्री एंड फ्लो साइटोमेट्री, इट इज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्लो साइटोमेट्री का द्वारा अभी तो ज्यादातर हेमाटोलॉजी का जैसे TCDC ये सब सुने हैं, ये सब टेस्ट हो जाती है। फिर जो बैक्टीरियोलॉजी का जो खेती यानी कल्चर टेस्ट होती है, जो कि पहले 24 घंटा से 72 घंटा तक समय लगता था, वो अभी सिर्फ 3 से 6 घंटा तक समय में ये फ्लो साइटोमेट्री द्वारा हो जाते हैं। अभी देखिए टेंजिबिलिटी यानी प्रॉक्सिमिटी का आधार पर टेस्ट को हम कैसे डिवाइड करते हैं, इसमें सिर्फ 2 डिविजन है, या तो स्पेसिफिक या तो नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब है एकदम पिन पॉइंट, मतलब यही स्पेसिफिक, और नॉन स्पेसिफिक मतलब है ये उस डायरेक्ट बीमारी से रिलेटेड नहीं है। थोड़ा एक एग्जांपल ले लीजिए, मानिए कोई पेशेंट का डेंगू हुआ, तो डेंगू डेंगू डॉक्टर ने सस्पेक्ट किया कि इसको डेंगू जैसा बुखार हुआ, तो डेंगू हुआ तो उसको तो तब डेंगू टेस्ट कराने से हो गया काम खत्म। तो ये हुआ पर्टिकुलर डेंगू अगर टेस्ट होता है तो वो हो गया स्पेसिफिक टेस्ट। लेकिन उसका साथ और कई टेस्ट होते हैं जिसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। सिर्फ डेंगू अब तो डिटेक्ट हो गया पेशेंट का डेंगू हुआ है, लेकिन डेंगू हुआ है चाहे डेंगू हुआ है उससे, लेकिन पेशेंट का बाकी जो ब्लड का कंडीशन है यानी टोटल WBC कितना है, WBC का डिफरेंशियल काउंट कितना है, RBC कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, फिर आपका जो है प्लेटलेट कितना है, ये जो प्लेटलेट की जो सबसे मायने रखता है डेंगू का समय, कि डेंगू होने पर पेशेंट का प्लेटलेट हर एकदम एक बेग घट जाता है, तो उस लिए उस सब उस समय उसका नॉन स्पेसिफिक टेस्ट भी दरकार पड़ता है। यानी स्पेसिफिक हो चाहे नॉन स्पेसिफिक दोनों ही काम के चीज है। फिर देखिए मैग्नीट्यूड पर आधारित होता है कुछ टेस्ट। मैग्नीट्यूड यानी इससे क्या निकल के आता है, क्या हम किस तरह का रिजल्ट चाहते हैं। एक तो होती है क्वालिटेटिव यानी जिसमें गुणवत्ता होती है, या तो पॉजिटिव बताते हैं या तो नेगेटिव, ये आगे वीडियो में हम चर्चा किए। फिर सेमी क्वांटिटेटिव जिसमें जो दूर का गांव का जो छोटे शहर का जो लैब है जहां उतना पैसा लगत नहीं है लेबोरेटरी में, फिर वहां उतना पेशेंट भी नहीं है, लेकिन वहां तो पेशेंट को तो इलाज देना है, तो डॉक्टर ने तो उस समय सेमी क्वांटिटेटिव करा लेता है कि उसको आइडिया मिल जाता है कि इन्फेक्शन का लेवल कितना है। भले एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिला लेकिन एक रेंज मिल जाती है, एक कितना से कितना इसका हो सकती है। फिर क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव का मतलब है एक्यूरेट वैल्यू कितना है, कोई भी चीज का एक्यूरेट वैल्यू, ये वैल्यू चैप्टर में हम करा चुके हैं। अब देखिए एप्लीकेशन यानी इसका प्रयोग कहाँ है, यानी यूटिलाइजेशन इसका क्या, इसका व्यवहार क्या है। तो देखिए सबसे पहले डायग्नोस्टिक, तो डायग्नोस्टिक जो है तो कोई भी चीज हम डायग्नोसिस जब करते हैं तो पेशेंट एक आया, पेशेंट मानिए कि आज एक पेशेंट जाके बोला कि हमको भूख नहीं है डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब देखा पेट में हाथ लगाया तो उनको लगा कि हो सकता है जॉन्डिस हुआ है, आंख पीला दिख रहा है, बदन भी थोड़ा पीला हो गया, तो बोला भाई जाके तुम ब्लड टेस्ट कराओ। तो ब्लड टेस्ट में आया कि हाँ लड़का का जॉन्डिस हुआ है, पेशेंट का जॉन्डिस हुआ, तो क्या हुआ ये डायग्नोसिस हो गया। तो एलोपैथिक सिस्टम है ये डायग्नोसिस पर, बीमारी का डायग्नोसिस पर मेनली आधारित है। तो डायग्नोसिस हो गया यानी इस तरह का टेस्ट को हो गया डायग्नोस्टिक टेस्ट। अभी तो पेशेंट को डॉक्टर साहब बोला कि आप तब घर में 1 महीना रहिए, धूप में मत निकलिएगा, सादा खाना खाइए, बॉइल्ड फूड लीजिए, तेल मसाला मत खाइए, लेकिन आप 15 दिन 10 दिन बाद ब्लड तो टेस्ट कराइए। यानी डॉक्टर साहब समझना चाहते हैं कि 10 दिन 15 दिन में पेशेंट का रिकवरी हो रहा कि नहीं, पेशेंट अच्छा हो रहा कि नहीं। क्या हो सकती है, या तो बीमारी से वो सबसे खराब उससे खराब हो सकते हैं, या तो उस कंडीशन में अच्छा हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रोग्नोस्टिक, यानी जब प्रोग्नोस्टिक होगा जैसे आपको पास प्रेस्क्रिप्शन आएगा कोई, उसमें लिखा रहेगा FUC मतलब फॉलो अप केस, तो ये हम बाद में हम पढ़ा देंगे। तो फॉलो अप केस इसी का मतलब आपको समझ आएगा कि पेशेंट का डायग्नोसिस हो चुका कि ये बंदा जॉन्डिस से बीमार पड़ चुके हैं, इसका अभी देखना चाहते हैं इसका क्या
मतलब इसका आगे से अवस्था में सुधार हुआ कि अवस्था खराब हुआ। तो ये हुआ प्रोग्नोस्टिक, ये हुआ मेन। जो अगर कोई भी मेडिकल किताब में एप्लीकेशन में दो ही चीज मिलेगा आपको, डायग्नोस्टिक या प्रोग्नोस्टिक, लेकिन इसका साथ और एक एस्पेक्ट जुड़ जाता है और एक संबंध आ जाता है। क्या संबंध? ना एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट। क्या हुआ, कोई हम लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, आजकल लोग जाने से डॉक्टर साहब लोग बेवजह टेस्ट लिख देते हैं, लेकिन ये भी तो उल्टा तरफ सच है कि अगर पेशेंट का कुछ हो गया तो पेशेंट पार्टी डॉक्टर का इसमें केस भी कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब को भी बचना है, तो बचने के लिए क्या होता है कि डॉक्टर साहब को, अब अगर कोर्ट में आप कोई पार्टी अगर खींच के ले जाता है डॉक्टर को, कोर्ट में बुला लेता है, तो डॉक्टर साहब को दिखाना पड़ता है कि आप डायग्नोसिस क्या मिला था, यानी आपको क्लिनिकली क्या मिला था। जो डॉक्टर साहब बोलेंगे हमको देखे थे हम लीवर बड़ा है, लेकिन वो तो आप देखे थे, वो आप गलत भी देख सकते हैं, लेकिन उसका एविडेंस क्या है, उसका सबूत क्या है, उसको अंगूठा सच क्या है कि लेबोरेटरी से रिपोर्ट आया था इतना इसका बिलिरुबिन है। तो ये हो गया अंगूठा सच, यानी अहम चीज जो कोर्ट मानेगा कि लेबोरेटरी से आया था। तो ये मेडिको लीगल यानी चिकित्सा संबंधी जो कानूनी कार्रवाई है उसको ये सेटिस्फाई करता है। तो डायग्नोसिस में डॉक्टर साहब दिखाएंगे, फिर दिखाएंगे क्या कि पहले इसका बिलिरुबिन 5 था, मेडिसिन दिए तो कुछ दिन वो घट के 2 आ गया था, शायद उसने कुछ किया होगा, फिर नियमों का पालन नहीं किया होगा, नियमों का उल्लंघन किया तो फिर उसको बढ़ गया, पेशेंट का हालत खराब हो गया, चाहे गुजर गया, कुछ भी हुआ। तो इसमें क्या होगा कि इसके बाद जो हुआ प्रोग्नोस्टिक जो टेस्ट हुआ, यानी उसको एक्सरे भी हो सकता है, यूएसजी हो सकता है, ब्लड टेस्ट, ये सब पेपर कोर्ट मानेगी। तो ये हो गया एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट, आजकल इस पर आधारित हो गया कि डॉक्टर और मरीज का बीच में जो एक आपसी एक जो सुंदर संबंध था समाज में, जो एक लगाव था, जो एक बंधन था, ये बंधन ये लीगल पॉइंट का चलते आज तो बहुत मतलब ये हो गया कि सब कोई इसको लीगल पॉइंट पर सब चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए इसका साथ हम सोच रहे हैं कि आप लोग को समझ में आया कि हमको जो टेस्ट है वो कुछ मेथोडोलॉजी पर होती है, जिसका कुछ प्रॉक्सिमिटी यानी टेंजिबिलिटी होती है, स्पेसिफिक टेस्ट या नॉन स्पेसिफिक टेस्ट, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होती है और उसका एप्लीकेशन क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे कि टेस्ट का इंटरप्रिटेशन कैसे समझना है। तो यानी हम, लेकिन ये पूरा पूरा कोर्स के बारे में बता रहे हैं कि पूरा कोर्स का एक जो अहम मुद्दा है कि आपको पूरा आइडिया मिल जाए, पूरा पकड़ आ जाए कोर्स पर कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या हमको क्या क्या चीज पर ध्यान देने होगा, ये सब के लिए ये वीडियो है। तो आगे चलिए, आगे मिलते हैं। तो आज के लिए शुक्रिया, आदर, सत श्री अकाल, थैंक यू।